अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, हरिये से होंगे। तो आज हम बनाएंगे ढाका चिकन, जो बनाना बहुत आसान है। तो देख हमारी रेसिपी देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी इधर और बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमने 500 ग्राम तक चिकन बोनलेस ले लिया और इसकी कटिंग यहाँ ऐसी कर ली है, थोड़ी छोटी छोटी। तो ये ढाका चिकन है, तो शुरू करते हैं। लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हम मसाले कुछ लिए हैं, जिसमें हल्दी ली है 1/2 टेबल स्पून, दड़ा मिर्च 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला ले लिया है, ज़ीरा पाउडर ले लिया है, काली मिर्च छोटा चम्मच 1/2 ले लिया है, नमक 1 टेबल स्पून है, थोड़ा सा कलर है और धनिया का 1/2 टेबल स्पून है, ज़ीरा भी 1 टेबल स्पून है और लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून है। उसके अलावा हमने 1 टेबल स्पून हमने मैदा ले लिया है और 1 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर ले लिया है। यहाँ हमारे पास तेल है, तो इन तेल से हम कोटिंग करेंगे। उसके अलावा हम अंडे का भी यूज़ करेंगे। ये मसाले ऐड कर लेते हैं हम। यहाँ कॉर्नफ्लोर मैदा भी ऐड कर रहे हैं। अंडा अंडा एक अंडा था हमारा, वो भी ऐड कर रहे हैं। तो लेमन ऐड कर लेते हैं। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ हम ऑयल भी ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। तो यहाँ हमने तेल को ऐड कर लिया, तो अब इनको मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ हम ढाका चिकन को फ्राई कर लेते हैं। Thanks for watching my videos. Please subscribe my channel, comment, share, and like my videos.